दोस्तों, अश्वत्थामा आज भी जीवित है और उन्हें मध्य प्रदेश के किले में देखे जाने का दावा भी किया जाता है। एक ऐसा ही रूह कपा देने वाली घटना 5 जनवरी 2022 को एक लड़के के साथ घटी थी, जो अपनी जिंदगी बहुत ही सीधे साधे तरीके से जी रहा था। बचपन से उसका बस एक ही सपना था कि वह बड़ा होकर एक लेखक बने। मध्य प्रदेश में रहने वाला यह लड़का प्रकृति यानी कि नेचर के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखना चाहता था। इसी कारण वह काफी सालों से अलग अलग जगहों पर जाता और नेचर की चीजों को समझने की कोशिश करता। बस यही शौक उसे एक बार एक घने जंगल की तरफ ले गया। यह घना जंगल बुरहानपुर का एक ऐसा इलाका था जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अश्वत्थामा आज भी आते हैं। वह अपने साथ एक हैंडबैग, पेन और डायरी लेता और उस जगह पर पहुंचकर आगे बढ़ता जाता है और वहाँ पर मौजूद अलग अलग चीजों को देखता है और समझता है, और साथ ही साथ अपने डायरी में नोट भी करता जाता है। उसे अब पता ही नहीं चला कि दोपहर के 3 बज गए हैं और अब उसे भूख भी लग गई थी, इसलिए वो वहाँ से वापस जाने की सोचता है। अब वो जैसे ही पीछे मुड़ा वो बिल्कुल दंग रह गया, क्योंकि वहाँ पर उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बाद उस जगह से अपना कदम हिला पाना बिल्कुल असंभव हो चुका था। दोस्तों, फुल वीडियो का लिंक कमेंट में है।